धार्मिक स्थल की दीवार तोड़ने से रोक रहे इकलौते बेटे को पिता ने चाकू से हमला करके मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद वो फरार हो गया। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के कैथल जिले के गोला क्षेत्र के खरका गांव में एक बाप ने अपने ही बेटे पर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। बेटे का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने पिता को पीर की दीवार तोड़ने से रोक रहा था। मृतक की 2 साल पहले ही शादी हुई थी, वहीं उसकी पत्नी भी 7 महीने की गर्भवती है। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में खरका गांव के रहने वाले सुषमा रानी ने बताया कि उसकी शादी 2 साल पहले खरका के रहने वाले चंद्रपाल उर्फ विजय के साथ हुई थी। मंगलवार को वो और पति सास कंतो देवी, ननद परी और ससुर जगीर राम के साथ वो घर पर थी। शाम करीब 7 बजे उसका ससुर घर के समीप स्थित पीर की दीवार तोड़ने लगा। इस पर उसकी सास कंतो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसी बीच उसका पति चन्नपाल गया तो उसके ससुर ने हाथ में पकड़े चाकू से उसकी छाती पर वार कर दिया। चाकू लगते ही उसका पति जमीन पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी तो पड़ोसी जुटने लगे। ये देखकर उसका ससुर मौके से फरार हो गया। ताकि उसके पति की मौत ससुर द्वारा छाती में सीधे चाकू मारने से हुई है। पुलिस ने इस आरोपी जागीर राम के खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। SHO चीका रमेश ने कहा है कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। चन्नपाल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी 2 बहनें हैं। 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी भी 7 माह के गर्भ से है। अपने ही पिता के हाथों युवक की हत्या से पूरा गाँव स्तब्ध है।